हेलो नर्सिंग ऑफिसर्स, आरजे नर्सिंग एकेडमी, मोस्ट वेलकम्स। फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं ESIC एंड सफदरजंग से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जैसे कि उसका डायरेक्टर का नाम हो गया, कब पास आउट, कब एक्ट पास हुआ था, ESIC एक्ट कब पास हुआ था, इसके बारे में। तो आज अपन इसके पूरे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। चलो आज का टॉपिक शुरू करते हैं, क्यों फ्रेंड्स ये एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। जैसे दिल्ली एम्स का एग्जाम हुआ था, उसके बारे में दिल्ली एम्स के डायरेक्टर का नाम पूछा गया था, वैसे इस बार भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो अपने को प्रिपरेशन पूरी कंप्लीट करनी है। ओके फ्रेंड्स, चलो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। ESIC एस्टेब्लिश कब हुआ था? ESIC एस्टेब्लिश हुआ था 24 फरवरी 1952 के अंदर, कानपुर एंड दिल्ली के अंदर फर्स्ट टाइम ये एस्टेब्लिश हुआ था। और जो जिसने एस्टेब्लिश करवाया वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, ESIC एक्ट कब पास हुआ था? तो ESIC एक्ट आया हुआ है 1948 के अंदर पास हुआ था। ओके फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस आया हुआ है, ESIC एक्ट वाला क्वेश्चंस भी आया हुआ है। तो चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। डायरेक्टर ऑफ कर्नाटक ESIC, जो कर्नाटक ESIC का डायरेक्टर कौन है? जे एच नायक कर्नाटक ESIC का डायरेक्टर है। वैसे दूसरी जिस ESIC का आपने एग्जाम फॉरम अप्लाई किया है, तो प्लीज़ आप उसके डायरेक्टर का नाम जरूर याद करिएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं गवर्नर ऑफ कर्नाटक। कर्नाटक का जो गवर्नर है उसका नाम क्या है? तो बाजूभाई बाला, गवर्नर ऑफ कर्नाटक। नेक्स्ट है CM ऑफ कर्नाटक, जो कर्नाटक का CM कौन है? कुमार स्वामी, इज ए कर्नाटक CM। नेक्स्ट, सेक्स रेशियो ऑफ कर्नाटक। कर्नाटक का सेक्स रेशियो है 973। नेक्स्ट है सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया। इंडिया का सेक्स रेशियो 943। नेक्स्ट है सेक्स रेशियो दिल्ली का 868। नेक्स्ट है सेक्स रेशियो ऑफ राजस्थान। राजस्थान का सेक्स रेशियो है 928। ये भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, जो कि एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? उसका नाम है निर्मला सीतारमन। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो कि एग्जाम में क्वेश्चंस आया हुआ है। हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया जे पी नड्डा इज ए हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है हेल्थ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। दिल्ली का जो हेल्थ मिनिस्टर है उसका नाम क्या है? वह है सत्येंद्र कुमार जैन इज ए हेल्थ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, गवर्नर ऑफ दिल्ली अनिल बंजल। नेक्स्ट, गवर्नर ऑफ MP एंड छत्तीसगढ़ नेम इज आनंदीबेन पटेल इज गवर्नर ऑफ MP एंड छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर का गवर्नर सत्यपाल मलिक। नेक्स्ट है गवर्नर ऑफ गुजरात इज ओम प्रकाश कोहली। नेक्स्ट बात है गवर्नर ऑफ बिहार इज लालजी टंडन। नेक्स्ट बात करते हैं गवर्नर ऑफ RBI, जो RBI के गवर्नर है उसका नाम, जो अभी हाल ही में पोस्टेड हुआ है, नाम है शशिकांत दास। ये भी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है फ्रेंड्स, शशिकांत दास गवर्नर ऑफ RBI। नेक्स्ट, नोबल प्राइज की बात करते हैं, जो 2018 के अंदर दिया गया था, तो नोबल प्राइज़ फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन के अंदर जो नोबल प्राइज़ दिया था वो है फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन 2018। फर्स्ट है तासुकु होन्जो, सेकंड है जेम्स पे एलिसन। इन दोनों को नोबल प्राइज़ मिला था मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी के अंदर। और ये क्या करा था इन्होंने? डिस्कवरी ऑफ कैंसर थेरेपी, जो कैंसर थेरेपी है उसके बारे में डिस्कवरी करा था इन्होंने। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं अपन, नोबल प्राइज़ 2018 के अंदर हुआ था। एक दो और कैंडिडेट हैं उनको नोबल प्राइज़ दिया गया था, वो डॉक्टर डेनिस मुकबेंजर। नेक्स्ट है नंदिया मुराड
ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं अपन मेडिकल सुप्रिटेंडेंट ऑफ सफदरगंज हॉस्पिटल। जो मेडिकल सुप्रिटेंडेंट हो है वो सफदरजंग हॉस्पिटल का, उसका नाम है डॉक्टर राजेंद्र शर्मा। डॉक्टर राजेंद्र शर्मा सफदरगंज हॉस्पिटल का जो सुप्रिटेंडेंट है वो डॉक्टर राजेंद्र शर्मा। नेक्स्ट बात करते हैं डिप्टी डायरेक्टर ऑफ सफदरजंग हॉस्पिटल श्री आशीष कुमार। ओके फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इनको जरूर याद करिएगा आप। नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्टर ऑफ लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज दिल्ली। जो लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज है दिल्ली के अंदर, उसके जो डायरेक्टर का क्या नाम है? डॉक्टर राजीव गर्ग। डॉक्टर राजीव गर्ग। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं अपन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रेंड्स, इंडिया का जो प्रेसिडेंट है वह रामनाथ कोविंद, जो कि हाल ही में एम्स ऋषिकेश का एग्जाम हुआ 2019 के अंदर, उसके अंदर भी क्वेश्चंस आया हुआ है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो राइट इज रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट बात करते हैं अपन TNAI, जो कि 1988 को एस्टेब्लिश हुआ था। इसका जो प्रेसिडेंट है वो, उसका नाम है डॉक्टर रॉय के जॉर्ग या प्रोफेसर रॉय के जॉर्ज। ओके फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और TNI की फुल फॉर्म अपन देखते हैं, ट्रेन नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ओके फ्रेंड्स, ये 1908 के अंदर एस्टेब्लिश हुआ था, ट्रेन नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसका प्रेसिडेंट का नाम वही है डॉक्टर रॉय के जॉर्ज। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स, INC के नाम से जानते हैं इसको, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स। ये एस्टेब्लिश हुआ था 1899 को, और इसमें जो मेंबर है, मेंबर्स सदस्यों की संख्या 135 है, और जो इसका प्रेसिडेंट है उसका नाम है अंटे केंडे। अंटे केंडे इसके प्रेसिडेंट का नाम है। और नेक्स्ट, इसकी लोकेशंस कहाँ कहाँ पे हैं? लोकेशंस जेनेवा एंड स्विट्जरलैंड। जेनेवा एंड स्विट्जरलैंड के अंदर ये इसके हेडक्वार्टर्स पाए जाते हैं, है अभी प्रेजेंट टाइम में। ओके फ्रेंड्स, ये हो गए INC के बारे में। एक बार फिर रिमेंबर कर लेते हैं, INC जो एस्टेब्लिश हुई थी 1899 को, इसमें मेंबर्स 135, और इसके प्रेसिडेंट का नाम है एंटे केंडे, और लोकेशंस कहाँ कहाँ पे हैं? जेनेवा स्विट्जरलैंड। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं अपन INC के बारे में। INC है इंडियन नर्सिंग काउंसिल। इंडियन नर्सिंग काउंसिल ये एस्टेब्लिश हुआ था 1947 के अंदर। ये क्वेश्चंस आया हुआ क्वेश्चंस है कि INC कब एस्टेब्लिश हुआ था, ये 1947 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था। इसके जो प्रेसिडेंट का नाम है डॉक्टर टी दिलीप कुमार। ये क्वेश्चंस भी आया हुआ क्वेश्चंस है, डॉक्टर टी दिलीप कुमार। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नर्सिंग काउंसिल्स, इसके वाइस प्रेसिडेंट का नाम है डॉक्टर आशा शर्मा। डॉक्टर आशा शर्मा। ओके फ्रेंड्स, चलो एक बार और इसको रिमेंबर कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे इसी के अंदर से। INC जो कि एस्टेब्लिश हुआ था 1947 के अंदर, और इसके जो प्रेसिडेंट का नाम है टी दिलीप कुमार, और जो वाइस प्रेसिडेंट है उसका नाम है डॉक्टर आशा शर्मा। ओके फ्रेंड्स, चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, स्पेशल डेज एंड थीम 2018। ओके फ्रेंड्स, इसमें से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। चलो अब शुरू करते हैं डायबिटीज़ डे। जो डायबिटीज़ डे है 14 नवंबर को मनाया जाता है। इसकी जो थीम है वो 2018 की, द फैमिली एंड डायबिटीज़ इज ए थीम ऑफ डायबिटिक डे, जो 14 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है 1 दिसंबर को, और वर्ल्ड एड्स डे थीम 2018 है नो योर स्टेटस, अपने स्टेटस को जानना। यह है वर्ल्ड एड्स डे 2018 की थीम। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे, जो कि 7 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल, और इसकी जो थीम है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरीवन एवरीवेयर। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरीवन एवरीवेयर। ओके फ्रेंड्स,
ये थीम से भी क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, इसको आप याद जरूर करना। नेक्स्ट है वर्ल्ड कैंसर डे। जो वर्ल्ड कैंसर डे है ये 4 फरवरी को मनाया जाता है फ्रेंड्स। एक बार फिर बता दूं आपको, जो वर्ल्ड कैंसर डे है 4 फरवरी को मनाया जाता है। ये यूपी एनएचएम का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर 2 बार एग्जाम के दोनों बार में ये क्वेश्चंस आया हुआ है। वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? 4 फरवरी। इसकी जो थीम है 2018 की वो है आई एम एंड आई विल्स। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं एंटी टोबेको डे। एंटी टोबेको डे मनाया जाता है 31 मई। 31 मई को एंटी टोबेको डे मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, जो कि पहले भी पूछा गया है क्वेश्चन से, और मैं एक बार और रिमेंबर करवा रहा हूं आपको कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है इससे। प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी मिस्टर दिलीप कुमार इज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नर्सिंग काउंसिल। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं अपन, नेक्स्ट बात करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो इंडिया की कैबिनेट मिनिस्टर है उनके नाम है, जो कि इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो अब इससे बात करते हैं अपन एक के कैबिनेट मिनिस्टर के नाम और उनके जो क्या क्या कौन से पद पे हैं वो, उनके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट है राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह क्या है? गृह मंत्री, ओ मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह। नेक्स्ट है सुषमा स्वराज, ये विदेश मंत्री, इसको फॉरेन मिनिस्टर के नाम से जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है अरुण जेटली, ये फाइनेंस एंड कंपनी अफेयर्स, वित्त एंड कंपनी मामले मंत्री अरुण जेटली, वित्त मंत्री अरुण जेटली। नेक्स्ट है नितिन गडकरी क्या है? जहाजरानी, सड़क परिवहन और राज्यमार्ग मंत्रालय, मिनिस्टर ऑफ शिपिंग, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, नितिन गडकरी। नेक्स्ट बात करते हैं सुरेश प्रभु कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मंत्री है सुरेश प्रभु। नेक्स्ट बात करते हैं निर्मला सीतारमण, तो निर्मला सीतारमण है वो है पहली स्वतंत्र महिला रक्षा मंत्री है, डिफेंस मिनिस्टर, पहली स्वतंत्र महिला रक्षा मंत्री, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है निर्मला सीतारमण का, डिफेंस मिनिस्टर है। नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट नंबर 7, पीयूष गोयल, जो कि एग्जाम में क्वेश्चंस आया हुआ है। पीयूष गोयल रेलवे मिनिस्टर एंड कोल मिनिस्टर पीयूष गोयल। नेक्स्ट बात करते हैं सदानंद गौड़ा इज ए मिनिस्टर ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशंस। ओके फ्रेंड्स, सदानंद गौड़ा। नेक्स्ट बात करते हैं उमा भारती क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय। उमा भारती क्या है? मिनिस्टर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। नेक्स्ट है रामविलास पासवान है उपभोक्ता मामले, खाद्य एंड जन वितरण मंत्री, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर। ओके फ्रेंड्स, और नेक्स्ट बात करते हैं अपन मेनका गांधी क्या है? वुमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर्स, महिला एंड बाल विकास मंत्री, ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं अनंत कुमार क्या है? केमिकल एंड फर्टिलाइजर पार्लियामेंट्री अफेयर्स, रसायन एंड उर्वरक संसदीय कार्य, अनंत कुमार। ओके फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन जेपी नड्डा कौन है? हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य एंड परिवार कल्याण मंत्री, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है डॉक्टर हर्षवर्धन कौन है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर,
साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर। फ्रेंड्स जो भी अपन नर्सिंग वाले हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर्स। ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं। ओके फ्रेंड्स ये हो गया आपका पूरे शॉर्ट एंड स्वीट कैबिनेट मिनिस्टर्स एसआईसी के बारे में एंड सफदरगंज हॉस्पिटल के बारे में। ओके फ्रेंड्स आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। ओके फ्रेंड्स बाय।